टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन टू एग्जांपल्स इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दो एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लेन करना है जिसके अंदर आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, और रेजोनेंस आपके पास जिनकी दो एप्लीकेशन में आप एक ट्यूनिंग ऑफ रेडियो की बात कर सकते हैं, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, दूसरी MRI स्कैन की बात कर लें, या तीसरी आपके पास जो है वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, इन तीनों में से आप किसी दो को एक्सप्लेन कर दें तो आपकी ये दो एग्जांपल्स बन जाएंगी। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एक गुड एग्जांपल है जिसके बारे में हमारी पिछली जो लास्ट हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, और दूसरा MRI के बारे में बताया गया था और माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताया गया था, तो उनकी एक्सप्लेनेशन आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास और उसमें कहता है व्हाट हैपेंड टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बराबर होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अगर मैं लेंथ डबल कर लेता हूँ तो एल डैश इज इक्वल टू 2 times L, तो टी डैश मेरे पास क्या आ जाएगा 2π√L/g। अब टी डैश तो एल डैश हो जाएगा, जी और 2π कॉन्स्टेंट है आपके पास, एल डैश 2L के बराबर है, तो टी डैश इज इक्वल टू 2π√2L/g। इसमें से अंडर रूट 2 में बाहर निकाल दूं तो मेरे पास अंडर रूट 2 times 2π√L/g इज इक्वल टू टी डैश, और टी डैश बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 times t के, क्योंकि ये फार्मूला बनता है टी का। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 time क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया ये MCQ में पूछा जाता है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 meter। अगर लेंथ बराबर है 1 meter के, 1 meter की जगह 2 meter दे दे आपके पास के आप इसकी क्या फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2π√g/L। ये क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, तो आपके पास f इज इक्वल टू 1/2π√9.8/1, और यहाँ से जो आपके पास टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 0.5 hertz। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ईच ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन की आपने एक एग्जांपल देनी है। अच्छा जी, जो यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है वो लिखी हुई है आपके पास कि आपके पास एक पेंडुलम है जो वाइब्रेट कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो आपके पास एक फ्री ऑसिलेशन है, यानी आपने उसको एक दफा मूव कर दिया और वो बार बार मूव करता रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। और जो आपके पास फोर्स ऑसिलेशन है वो आपके पास ये है कि बार बार जब आपके पास हैवी मशीनरी की एग्जाम्पल दी हुई है वाइब्रेशन जो आपके पास जमीन के ऊपर वाइब्रेट हो रही होती है, जिस तरह कई दफा आपने देखा होगा कि वो कुछ जमीन में जब गड़ा खोद रहे होते हैं तो एक बड़ी सी मशीन होती है जो बार बार जमीन में क्या कर रही होती है, ड्रिल कर रही होती है, तो उसको बार बार फोर्स किया जा रहा होता है जिसकी वजह से आपकी जमीन बार बार क्या कर रही होती है, हिल रही होती है, तो वो आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इन टू वाइब्रेशन एंड लेफ्ट अनटच एंड इट इवेंचुअली कम टू स्टॉप। व्हाई? कहते हैं सिंपल पेंडुलम है, उसको आपने क्या किया, आपने उसको फोर्स दी और फोर्स से वो क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, और कुछ देर बाद वो क्या होता है अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। क्यों? ये जो हुक और ये जो स्ट्रिंग है, एक तो इन दोनों के दरमियान भी आपके पास फ्रिक्शन है, एक इसके ऊपर एयर एक्ट कर रही है जिसमें वो मूव कर रहे हैं, और जब वो इतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट काम करता रहेगा तो जो फोर्स आपने दी है वो आस्ता आस्ता क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी ड्यू टू इट्स वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा थोड़ी देर बाद इवेंचुअली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी अपनी पोजीशन पे आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। अगर मुझे याद है तो वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो बराबर था w इज इक्वल टू मेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास, और अच्छा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर, माइनस ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास अगर मेरे पास v मैक्सिमम है, और v मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहां मैं जीरो पुट करूंगा तो v क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव टर्म बीच में से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट एंड a इज इक्वल टू जीरो, यानी जब आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम,
तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो. और ये कब होगी, एट द मीन पोजिशन. एट द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी. क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन एफ एंड एक्स इन मैस स्प्रिंग सिस्टम. मैस स्प्रिंग सिस्टम में एफ और एक्स यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई रिलेशन है, अगर है तो वो रिलेशन क्या, एक्सप्लेन करें. अगर मैं एक फ्रिक्शन लेस पुली ले लेता हूँ, सॉरी फ्रिक्शन लेस एक जगह है, उसके ऊपर आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, और मैं जब इस पर फोर्स लगाता हूँ, इसको मूव कराता हूँ इस तरफ, तो इसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी. अब इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की जो फोर्स है वो बराबर है एफ इज इक्वल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा फोर्स, उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी मुझे, और उतनी ही ज्यादा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आ जाएगी. और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज द इलास्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा जी, और आपके पास जो इस के की यूनिट होती है वो बराबर होती है, इसे हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, और ये जो इसकी आपके पास यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर. और इसको अगर हम डायमेंशन में लिखें तो वो बराबर होती है एम टी माइनस टू के. इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एम टी माइनस टू के. इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, एक चीज याद रखेगा, आपके पास नेगेटिव के साथ आएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अब माइनस के एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरी फोर्स जो उस तरफ लग रही है उसके ऑपोजिट लगेगी, तो ऑपोजिट या फोर्स लगेगी, तो ये आपके पास किस साइन के साथ आएगी, माइनस के साथ, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट हैपेंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एज इट ऑसिलेट डाइड डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल. जो जो आपके पास सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन मैक्सिमम से कम होती जाती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ना चाहिए. आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू पाए अंडर रूट जी बाय एल. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, किस चीज का, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट का. एक्स नॉट ज्यादा हो या कम हो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट बाय फार्मूला. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस. इस वजह से आपके पास थोड़ा बहुत एक्स नॉट का आपके पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट होगा, पर बाय फार्मूला देयर इज नो इफेक्ट बट अ लिटल इफेक्ट, जो हमें क्योंकि हमारे जो जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास आइडियल नहीं है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेंगी. क्वेश्चन नंबर नाइन है, अ सिंगर होल्डिंग अ नोट ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी कैन शैटर अ ग्लास. एक सिंगर है जो गा रहा है, और अगर उसने अपनी नोट, नोट का मतलब होता है खास जो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से अगर वो गा रहा है तो वो एक ग्लास को तोड़ सकता है. ये मैंने आपको एग्जांपल तब दी थी जब हमने रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ा था. अगर उसकी जो नोट की फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस ग्लास के मटेरियल की, अगर वो दोनों मैच अप होंगी तो वहां पे प्रोसेस होगा रेजोनेंस का, और रेजोनेंस की वजह से ग्लास की वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगी, और अगर उनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगी तो वो ज्यादा दूर तक जब वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा तो ग्लास क्या हो जाएगा, शटर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा.